शेयर्स। ओके, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, जनरल एंट्रीज है जो कि आप आसानी से सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स के ऑप्शन में आपको मिलेगा कंप्यूटर। ओके, अगर आपका थ्योरी ज्यादा अच्छा है तो आप थ्योरी भी कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ कि आप इश्यू ऑफ शेयर्स ही कीजिएगा। प्रॉब्लम में आपको एग्जाम में दिया होगा या तो इक्विटी शेयर्स इश्यू किया होगा या तो प्रिफरेंस शेयर्स इश्यू किया होगा। ओके, जो किया होगा आप वो इक्विटी शेयर्स प्रिफरेंस लिख सकते हैं। या तीन कंडीशंस होते हैं, या तो हम शेयर्स को इश्यू करते हैं पार पे, या तो प्रीमियम पे, या तो डिस्काउंट पे। ठीक है, जैसा प्रॉब्लम में मेंशन किया वैसे समझ सकते हैं। जब आपको प्रीमियम और डिस्काउंट का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता है तो वो होता है एट पार। ठीक है, समझते हैं। अगर 10 का शेयर्स हम 10 शेयर को बेचते हैं तो वो होता है इश्यू एट पार। अगर 10 का शेयर्स हम 12 में या 15 में इश्यू करते हैं तो ये होता है इश्यू एट प्रीमियम। जब शेयर्स उसके फेस वैल्यू से हम उसे कम में हम बेचते हैं तो उसे कहते हैं इश्यू एट डिस्काउंट। ओके, तो तीन में से कोई भी एक चीज आपको एग्जाम में दिया हो सकता है। कंपनी यहाँ पे इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस जो भी होगा आपको यहाँ पे उसका फेस वैल्यू दिया होगा। सपोज 10 रुपए दिया हुआ है तो ये अमाउंट को कंपनी जनरली एक बार में नहीं लेती, उसको बायफर्केट करती है। सपोज वो लेगी एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, कॉल में। अब कॉल में फर्स्ट कॉल हो सकता है, सेकेंड कॉल हो सकता है, फाइनल कॉल हो सकता है। जनरली सेकेंड कॉल फाइनल कॉल मिला के एक ही होगा, तो मान लीजिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो सकता है, फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल भी हो। ओके, डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं, 10 रुपया को एप्लीकेशन मान लीजिए कि 3 रुपया ले रही है कंपनी, अलॉटमेंट के नाम पे 3 रुपया ले रही है, और कॉल के नाम पे यहाँ पे 2 रुपया, सेकेंड फाइनल कॉल के नाम पे 2 रुपया, कुल मिला के यहाँ 10 रुपीज हो गया। पहला इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, या अगर समझ जाओगे सिस्टमैटिक तो बहुत सिंपल रहेगा। ओके, देखिए मेरे हिसाब से समझने के लिए चैप्टर बहुत ही सिंपल है। आपको मेरे हिसाब से समझना है तो दो चीज पे फोकस करना होगा, आपको रिसीव्ड की एंट्री और ट्रांसफर की एंट्री। ठीक है, फिर हमें ट्रांसफर की एंट्री देन रिसीव्ड की एंट्री, ये दो कॉन्सेप्ट को समझना हमें होगा। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा मिला हुआ है, जब आपको एप्लीकेशन पैसा मिलेगा तो पहले यहाँ पे एंट्री होगी रिसीव्ड की। किसकी होगी पहले एंट्री? रिसीव की। एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन पे आप पहले रिसीव की एंट्री पास कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए शेयर का नाम दिया इक्विटी, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, हम यहां पर एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद में हम करेंगे ट्रांसफर एंट्री, तो ट्रांसफर में लिखेंगे हम लोग यहां पर ये जो क्रेडिट में है उसे नहीं डेबिट में, तो यहां पे आएगा ट्रांसफर एंट्री आएगा, फिर यहां पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, टू में यहां पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए जब हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो पहली यहाँ पे एंट्री आएगी रिसीव्ड की, दूसरी यहाँ पे एंट्री आएगी ट्रांसफर की। ओके, बट जब एक स्टेज पास करने के बाद जब सेकेंड स्टेज पे जाएंगे अलॉटमेंट में, तो वहां पे पहले हम मारेंगे ट्रांसफर एंट्री, बाद में मारेंगे हम यहाँ पे रिसीव्ड की एंट्री। तो मान लीजिए चलते हैं अलॉटमेंट में क्या एंट्री करना होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहले यहां पे हम ट्रांसफर एंट्री मारेंगे और बाद में रिसीव की एंट्री मारेंगे। रिसीव की एंट्री क्या होगी, यहां पे सेम ऐसे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर जहां पे एप्लीकेशन है वहां अलॉटमेंट। रिसीव्ड में पे एंट्री आएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट से वैसे ही बैंक अकाउंट डेबिट टू आप लिखना इक्विटी शेयर जहां पे एप्लीकेशन है वहां लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी
शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, हमने यहां पे अलॉटमेंट का स्टेज मैंने पास कर लिया जिसमें पहला एंट्री हमारा ट्रांसफर का, सेकंड एंट्री हमने हमारा यहां पे रिसीव का। ऐसे चलता रहा फर्स्ट कॉल पे, तो यहां पे एंट्री आएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमें ट्रांसफर कितने मानेंगे फिर रिसीव करेगी सेम ऐसे ही, तो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसे हम जाएंगे सेकेंड और फाइनल कॉल पे भी सेम फंडा, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री ट्रांसफर की मारने के बाद तुरंत आएगा रिसीव की एंट्री, सेम ऐसे ही बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, हमने ये सब देख लिया। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, आपको ये पहला ग्रीप आना चाहिए कि जब हमें एप्लीकेशन मनी मिलेगा तो हमें करना होगा रिसीव की एंट्री, बाद में करना होगा ट्रांसफर की एंट्री। बस सेकेंड स्टेज से हम शुरू कर देंगे, पहले ट्रांसफर की एंट्री और बाद में रिसीव की। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट, अब हम देखते हैं, हमने एक सम लिया है 341 टेस्ट बुक पेज पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया है जो की प्रैक्टिकल सम है। आनंद कंपनी लिमिटेड इश्यूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे दिया है प्रेफरेंस शेयर्स, क्या लिख दिया है प्रेफरेंस शेयर ₹10 ईच पेएबल एज ऑन एप्लीकेशन पे ₹4, अलॉटमेंट में ₹3, फर्स्ट कॉल पे ₹2, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ₹1, टोटल मिला के ₹10 यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो हमें पता है हमें बनाना होगा जनरल एंट्रीज, हमने कॉलम ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे आता है डेट या सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ एल एफ लेजर फॉलियो पेज नंबर, फिर यहाँ पे डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस, ठीक है। इसके हेड टैब में लिखना होगा जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद कंपनी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ आनंद कंपनी लिमिटेड। ओके, अब हम यहां पे लिखेंगे, जो डेट का मेंशन किया नहीं है तो हमें सीरियल नंबर 1 डाल देंगे। देखो पहला क्या हो रहा है, हमें एप्लीकेशन नंबर रिसीव्ड हो रहा है, तो मैंने बताया कि दिया था कि जब आपको एप्लीकेशन नंबर रिसीव्ड होगा तो पहले यहाँ पे रिसीव्ड की एंट्री आएगी। तो रिसीव्ड की एंट्री क्या थी हमारी, बताइए आप क्या थी, पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां जो शेयर का नाम दिया है प्रिफरेंस, तो प्रिफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यू राइट फुल फॉर्म हियर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां अमाउंट आएगा ₹4 का मल्टीप्लाई 1 लाख में, तो यहां पे ₹4 लाख आएगा, ठीक है, हमने यहां ₹4 लाख लिख दिया, क्रेडिट में भी हमने ₹4 लाख लिख दिया। अब यहां पे लिखना होगा हमें नरेशन, हमें बीइंग, अब हमें क्या बताना है प्रिफरेंस शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स इश्यूड 1 लाख एट द रेट फोर ऑन एप्लीकेशन। ओके, ऐसा लिख के यहां पे लाइन बंद कर दीजिएगा। इस प्रकार से जब जनरल एंट्री लिखेंगे तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेगा। ओके, नरेशन इज कंपल्सरी, वेदर यू विल लूज योर मार्क्स ऑन नरेशन। अब देखते हैं सेकंड एंट्री, देखो फर्स्ट एंट्री रिसीव की आ गई एप्लीकेशन की, अब सीधा ट्रांसफर की एंट्री करनी है। ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, ये जो क्रेडिट में दिया है उसे डेबिट में लिखेंगे, लिखेंगे प्रिफरेंस, जो हमें शॉर्ट में प्रिफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यू राइट फुल फॉर्म ये रहा, या फुल फॉर्म लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, प्रिफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पे आएगा प्रिफरेंस शेयर कैपिटल
अकाउंट और अमाउंट आएगा 4 लाख और 4 लाख, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आप यहां ऐसे कह सकते हो एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख प्रिफरेंस शेयर्स ट्रांसफर टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने अभी 2 एंट्री फिनिश कर लिया, रिसीव्ड की और ट्रांसफर की। अब हमें चलना है सेकेंड स्टेज पे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में जाएंगे तो पहले एंट्री ये मारेंगे, ट्रांसफर की बात में मारेंगे हम लोग यहाँ पे रिसीव की एंट्री। चलते हैं थर्ड एंट्री पे, हमें लिखेंगे पहले प्रिफरेंस, प्रिफरेंस शेयर जहां पे एप्लीकेशन लिखे अलॉटमेंट, प्रिफरेंस अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा 3 से मल्टी 1 लाख इंटू 3 करने पे आएगा 3 लाख, ठीक है। बीइंग प्रिफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स। अब हम चलते हैं आगे नंबर फोर्थ एंट्री। हम ट्रांसमिट मार चुके हैं, रिसीव की एंट्री कर लेते हैं। रिसीव की एंट्री ऐसे आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर जहां एप्लीकेशन लिखे अलॉटमेंट, तो प्रिफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट आएगा 3 लाख और 3 लाख, ठीक है। अब ये नरेशन पार्ट हम लोग यहां पे, तो बीइंग प्रिफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। शॉर्ट फॉर्म ली देंगे इस प्रकार से हम लोग। हमने यहाँ पे 2 स्टेज पास कर लिया है, चलते थर्ड स्टेज पे, दैट इज फर्स्ट कॉल पे। देखो फर्स्ट कॉल में सेम वही होगा, पहले हम ट्रांसफर मारेंगे बाद हम रिसिप्रोकेटिंग करेंगे। तो नंबर 5वां एंट्री आएगा यहाँ पे प्रिफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। आपका अमाउंट यहाँ पे आएगा 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख और 2 लाख, ओके। यहां पर नरेशन सेम ऐसे ही बीइंग प्रिफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 1 लाख प्रिफरेंस शेयर, आपने वर्डिंग ले सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे हमने ट्रांसफर डिमांड लिया, अब जैसे 6वां एंट्री यहाँ पे करें हम लोग यहाँ पे रिसीव की, तो रिसीव की यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट अमाउंट रिसीव होगा 2 लाख रुपीज, ठीक है। आप यहाँ पे नरेशन पार्ट लिखते चलिएगा दोस्तों, ओके। चलते नंबर 7वां एंट्री पे, सेम ऐसे सेकंड कॉल अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर देन रिसीव्ड, तो यहाँ पे एंट्री हुई ट्रांसफर की प्रिफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 1 लाख से बढ़ेगा 1 का हो तो 1 लाख आएगा, ठीक है, 1 लाख और 1 लाख। आप नरेशन पार्ट लिख लीजिएगा यहाँ पर। अब ये पैसे रिसीव करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 8 एंट्री आएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, लिखेंगे अमाउंट 1 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। इसका नरेशन पार्ट आप लिख लीजिएगा, लिखने के बाद में आपको लास्ट में आप टोटल करना होता है, आप टोटल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ टोटल करना होता है 4 4 8 8 3 11 11 3 14 14 2 16 16 2 18 18 और 2 20, तो यहाँ पे 20 लाख सब फिगर दोनों साइड में आ जाएगा। हम यहाँ लिख के दोनों को टोटल कर लेंगे, ठीक है। ये लास्ट में आपको करना पड़ता है जो कि नॉर्मली फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा।
स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इस वीडियो में हमने आज कवर किया कि किस प्रकार से एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉस्ट में हम रिसीव करते हैं। तो रिसीव की एंट्री पहले होगी एप्लीकेशन में, फिर ट्रांसफर होगा, फिर एप्लीकेशन के बाद जब सेकंड से जब आएंगे तो पहले हम लोग ट्रांसफर देन रिसीव, ट्रांसफर देन रिसीव, ट्रांसफर देन रिसीव, ऐसे एंट्री पास होते चले हम लोग यहाँ पे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बात कहना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, हो सके तो वीडियो शेयर कीजिए अपने और दोस्तों को, फैलाइए वीडियो को। ओके, जल्दी मिलते हैं।